संविधान की विशेषता में क्या है कि विश्व के विभिन्न संविधानों का मिश्रण, विश्व के विभिन्न संविधानों का मिश्रण। भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न संविधान में संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया। हाँ, आप देखोगे मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स रूस से, राज की नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। तो कहीं ना कहीं विश्व के विभिन्न संविधानों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया गया। तो आप कैसे नहीं कह सकते हो कि भारत का संविधान मिश्रण है भैया विश्व के विभिन्न संविधानों का, कह सकते हो कि नहीं? कह सकते। यही कारण है कि भारतीय संविधान को विश्व के विभिन्न संविधान का ऋणी कहा जाता है। आप देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन क्या देगा, ये पूरा लाइन दे देगा, भारतीय संविधान को विश्व के विभिन्न संविधानों का ऋणी कहा जाता। बोलो सही है या नहीं? हाँ, अरे उधार लिया भैया, ऋणी ही तो है। आपके लिए हर वो लोग जो आपके बढ़ने में योगदान करता है, आप भी उसके ऋणी है। बात समझिए, आप देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एचआर एकेडमी हमारे क्लासेस चल रही, यूट्यूब चैनल में भी, ऑफलाइन भी, अन एकेडमी में भी क्लास ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें योगदान किसका? आप लोगों का भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बल पर यह खड़ा किया है, अपने बल पर एचआर एकेडमी में क्लास देते आया, इसको इतना बड़ा किया है, अन एकेडमी में क्लास देते हैं, नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, जिसके कारण हम आज यहां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडायरेक्टली है हमको नहीं जानते, लेकिन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, अन एकेडमी फॉलो, वो क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन शेयर कर दिए, क्यों? किसी ना किसी का भला हो। तो बोलिए, तो मेरा तो भला उसमें है कि समाज का भला, बस सीधी सी बात। तो इसका फायदा जरूर से जरूर उठाने का काम करें। भारतीय संविधान पर, अब जैसे यहां पर क्या बोला, संविधान का ऋणी कहा जाता है। हाँ, तो भारतीय संविधान पर कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का विशेष प्रभाव पड़ा। संसदीय शासन प्रणाली का भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लेकर किया गया है। तो बोलो जी, अगर पूछा जाए आपसे कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से, ठीक है। यूनियन सब कहां से लिया गया, कनाडा से, ठीक है। बासुमारी क्या करना चाह रहे हैं, वही कहा कि कनाडा के संविधान के तरह भारतीय संविधान में भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अवशिष्ट शक्तियां दोनों संघों के अंतर्गत केंद्र को सौंपी गई हैं और समवर्ती सूची बोले तो कंकरेंट लिस्ट, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो कहा जा समवर्ती सूची, जिनका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी था। देखिए आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऐसा स्रोत है जो दूसरे देश से भी लिया गया और भारत संविधान 1935 में भी था। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। सूची तीन तरह के होते हैं, कितने तरह के? तीन तरह के, बोलो तो लिस्ट। केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। वैसी बातें जो केंद्र से संबंधित हो केंद्र में सूची, राज से संबंधित हो राज सूची, और दोनों से संबंधित हो
समवर्ती सूची। अब समझ में आया, मतलब जो मुद्दा केंद्र का, केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, राज्य का मुद्दा स्टेट लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट, दोनों का मुद्दा हो समवर्ती या कंकर्न लिस्ट। अब समझ में आ गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था और 1935 में भी सम्मिलित था। नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल, ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। तो बताओ नीति निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से? आयरलैंड। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल, आयरलैंड। तो सबसे ज्यादा तो बीबीआई ही है, लेकिन इसके साथ ये सबको भी फोकस करें कि आयरलैंड नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल। संविधान के संशोधन प्रणाली तथा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सब बता रहे वो सब नहीं बता रहे बाबू, लेकिन जो बता रहे हैं उसको एकदम याद कर लेना। तो संशोधन प्रणाली तथा राष्ट्र की आपातकालीन शक्तियां कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से। मूल अधिकार तथा न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताए थे ना जी, तो ऐसे अधिकार, ऐसे अमेरिका। तो अधिकार कब मिलेगा? जब न्याय होगा। तो याद रखना जी, दोनों वर्ड को याद रखिए, न्यायिक अधिकार मतलब मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से? अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। हाँ, जो भी प्रक्रिया हो कानून के थ्रू होना ही ना चाहिए जी, तो ये जापान से लिया गया। मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? सोवियत संघ। सोवियत संघ बोले तो रूस। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। तो आप हर चीज के तैयार हो रहे हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दे, चाहे लिखने टाइप का दे दे, डिस्क्रिप्टिव हो, आप हर तरीके से तैयार हो रहे हो। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का एक ऐसा पावन दस्तावेज है, ठीक है, जिसके सही एवं ईमानदारी पूर्वक संचालन से भारत की काया पलट सकती है। बोलो जी। नहीं, भारतीय संविधान में असमानता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सामाजिक शोषण तथा विभिन्न कुरीतियों का अंत कर दिया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता, समानता, भारतीय न्याय, विश्व प्रेम, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई है। यदि इसका ईमानदारी पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति से अनुपालन किया जाता है तो भारत का उत्थान होगा, और गलत अनुपालन से राष्ट्र का विनाश होगा। आप सही सोच से करोगे तो विकास हो। इसमें अंबेडकर का कथन क्या है कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो निश्चित रूप से बुरा होगा। मतलब आप अच्छे हो सब अच्छा होगा। इससे स्पष्ट कि संविधान की सफलता राष्ट्रीय चरित्र तथा उसके कार्यान्वित करने वाले के चरित्र और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट।